हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन के बाहर खालिस्तानी बैनर और झंडे लगाए जाने का मामला चर्चा में है। इसी बीच अब हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। बताया गया है कि इस मुलाकात के दौरान खालिस्तान के मसले पर भी चर्चा हुई। वहीं जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी को 31 मई को हिमाचल प्रदेश आने का न्योता भी दिया। पीएम को हिमाचल प्रदेश आने का न्योता देने को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 8 साल पूरा होने जा रहा है, तो हमने कहा कि अगर आप ये कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में करेंगे तो हमारे लिए बहुत प्रशंसा का विषय होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी से हिमाचल प्रदेश के कई प्रोजेक्ट में चल रही प्रगति पर बात हुई। हमारे कुछ प्रोजेक्ट उद्घाटन और शिलान्यास के लिए पूरे हो गए हैं, तो हमने पीएम मोदी को हिमाचल प्रदेश आने के लिए निमंत्रण दिया है। वही खालिस्तान मामले पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि देवभूमि हिमाचल के सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्मशाला विधानसभा में हुई घटना के एक आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी ने प्रदेश विधानसभा परिसर धर्मशाला में दीवार पर खालिस्तानी झंडा और ग्रेफिटी के आरोपों को स्वीकार किया है। निश्चित तौर पर हिमाचल पुलिस और पंजाब पुलिस के संयुक्त प्रयासों से दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाएगा।